दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों समय से पूर्व होम लोन से निजात पाना सचमुच ही खुशी का विषय है। आपकी उस समय उत्सुकता और बढ़ जाती है जब आप मासिक किस्त यानी कि ईएमआई के भार से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ने सभी तरह के फ्लोटिंग रेट टर्म होम लोन को समय से पूर्व जमा करवाने पे कोई अतिरिक्त चार्ज और पेनल्टी नहीं लगाने का प्रावधान है। यह प्रावधान बैंक से लिए गए होम लोन को समय से पूर्व जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों होम लोन अकाउंट को समय से पूर्व बंद कराने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सारे मूल दस्तावेज आपके हाथ में आ गए हैं। दोस्तों जब होम लोन दिया जाता है तब लगभग सभी मूल दस्तावेज जो एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे टाइटल डीड, इंडेमनिटी बॉन्ड और गारंटी पत्र ऋणदाता के पास आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बैंक को देने होते हैं। अतः जब आप होम लोन के भार से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं तब उन मूल दस्तावेजों को बैंक से प्राप्त कर लें, क्योंकि आपके साथ ऋण समझौता समाप्त होने के बाद बैंक को एक घंटा भी आपके मूल दस्तावेजों को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। अंतिम राशि आपके अनुमान से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों अंतिम भुगतान में बैंक आपके अनुमान से थोड़ा ज्यादा राशि लेते हैं, जो फाइनल सेटलमेंट चेक जिसको क्लियरेंस होने में एक दो दिन लग जाते हैं पर ली गई ब्याज की राशि है। इस तरह अंतिम भुगतान की राशि आपके अनुमान से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्लोजर सर्टिफिकेट। दोस्तों बैंक आपको एक क्लोजर सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि आप पर बैंक या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लोन बकाया नहीं है और आपने लोन की सारी बकाया किस्तें जमा करा दी हैं। सिक्योरिटी चेक। दोस्तों बैंक होम लोन स्वीकृति करने से पहले आपसे सिक्योरिटी चेक जमा कराने को कहता है। अधिकांश मामलों में सिक्योरिटी चेक की संख्या 2 या 3 हो सकती है। जब आप सारा होम लोन चुका लें तब सिक्योरिटी चेक बैंक से वापस ले लें। सलाह मांगे। दोस्तों होम लोन अकाउंट बंद करने से पूर्व आप विशेषज्ञों से राय लें। यदि आप समय पूर्व होम लोन चुका रहे हैं तो आपको आयकर में जो छूट दी गई है उसमें हानि हो सकती है, क्योंकि जब आप समय से पूर्व सारा होम लोन जमा करा देते हैं तो होम लोन पर आयकर छूट का लाभ नहीं मिलता। दोस्तों ध्यान रहे कि बैंक जब अपनी रकम पुनः प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद आपकी परवाह नहीं करेगा, आपको ही उसके पीछे भागना पड़ेगा। अतः जिन लोगों ने समय पूर्व होम लोन जमा करा दिया है उनसे विचार विमर्श करें। ऐसा करने पर यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि सही दस्तावेज आपके हाथ में आ गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।